हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी बच्चों को दिस दैट दीज दोज कैसे पढ़ाए, उनसे रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी, कुछ एक्टिविटीज शेयर करूंगी और कुछ गेम शेयर करूंगी जिससे बच्चे जब भी चाहे रिवीजन कर सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम दिस दैट दीज दोज पढ़ाएंगे तो यह गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम बुक लेके बैठ गए और उन्हें समझाने लगे बुक के द्वारा। नहीं, सबसे पहले हम उन्हें आसपास की चीजें दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि यह पास की चीज है, वह दूर की चीज है, इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे और वन और मेनी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट कि अगर यह एक पेन है तो यह सिंगुलर है, अगर यह बहुत सारे पेन है तो यह प्लूरल है। इस तरीके से आप और सारी चीजें उसके ट्वेज को यूज कर सकती हैं। आप जैसे ये कार्डबोर्ड यूज कर सकती है, यह एक है तो यह सिंगुलर है, अगर यह दो है तो यह प्लूरल है। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करें कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है और नियर क्या होता है, फार क्या होता है। जब यह कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए तब उन्हें एक एग्जाम्पल के द्वारा दिस दैट पहले बताएं। कहें दिस इज अ स्केच, फिर कुछ पेन्स आप दूर रख दे सिंगुलर, फिर उन्हें बताए दैट इज अ स्केल। मीन्स जो पास हमारे रहेगा अगर वह सिंगुलर है तो उसके लिए दिस यूज करेंगे, जो दूर है और वह भी सिंगुलर है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर बहुत सारे स्केच हमारे पास हैं तो हम इसके लिए यूज करेंगे दीज, अगर हमारे पास है तो, और हमसे दूर है तो हम यूज करेंगे दोज। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को दिस दैट दीज दोज पहले कंफर्म कराएंगे। सन पूछेंगे कि वह दिस है कि दैट है तो वह बताएगा दैट, स्टार्स पूछेंगे तो वह बताएगा दीज दोज। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं जो भी आसपास की चीजें हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि बहुत दूर पे अगर बहुत सारे ट्रीज हैं तो उनको पूछ सकते हैं कि वो इन फोर्ट में क्या यूज करेंगे, बहुत सारे हैं तो दोज। इस तरीके से अगर हमारे पास में बहुत सारे बैंगल्स रखे हुए हैं तो हम उसे दिखा के पूछ सकते हैं कि यह बहुत सारे बैंगल्स है, प्लूरल है तो फिर क्या यूज करेंगे, बताएगा बच्चा दिज। इस तरीके से जब उसका दिस दैट दीज दोज कन्फर्म हो जाएगा तब हम उसे वर्कशीट देंगे जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। पहला वर्कशीट हम उसे स्टार्टिंग में ही लिखने के लिए नहीं दे देंगे कि दिस लिखो दैट लिखो, नहीं, पहले हम कुछ उसे इस तरीके की एक्टिविटीज कराएंगे फिर हम उसे लिखने वाली वर्कशीट शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ दिस दैट लिख लिया है, अब बच्चे से बस बोलना है कि जो दिस है, जो पास की चीजें हैं, वह उनसे करेक्ट वे में मैचिंग कराए। जैसे कि अगर ट्री है तो या पास है तो यह दिस या दैट किससे मैचिंग कराएगा, तो बच्चे को कंफर्म हो चुका है तो वह दिस से कराएगा। इस तरीके से सार्क को वह दैट से कराएगा और आप फिर यहाँ पे एक बार उसे कंफर्म कर देंगे कि सब चीजें सिंगल है इसलिए हम दिस और दैट का यूज कर रहे हैं, दिस को पास के लिए और दैट को दूर के लिए यूज कर रहे हैं। इस तरीके से सनफ्लावर दिस, रॉकेट को दैट, इस तरीके से बच्चा यह एक्टिविटी करेगा। दूसरी एक्टिविटीज में हमें इसी तरीके से दीज और दोज देंगे, हम कुछ इस तरीके से ड्राइंग्स बना लेंगे, जो भी आपको इजी लगे वो ड्राइंग आप बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने सब इजी ड्राइंग ही शेयर की हुई है। तो फिस, या थोड़ी दूर पे है दैट दोज फिशेस, स्वीट्स या पास में है दीज स्वीट्स। इस तरीके से ब्रिक्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैंने फिगर भी ड्रॉ इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी बच्चा यूकेजी एलकेजी में सारे वर्ड्स नहीं पढ़ सकता है, इसलिए हमने फिगर भी ड्रॉ करनी है और साथ में वर्ड मीनिंग भी लिख देनी है ताकि बच्चा समझ सके, थोड़ी उसकी वोकैब भी स्ट्रांग हो सके। क्लाउड्स दोस, इस तरीके से एक्टिविटीज कराइए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, यह पास में है और यह दूर है, तो अब बच्चे को इन दोनों जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर ट्रिक करना है। तो दिस या पास है तो बच्चा दिस को टिक करेगा, दैट इज अ पेंसिल, यह दूर है तो दैट,
इस तरीके से दोज आर स्टार्स, दोज आर बुक्स, दीज आर एग्स. तो बच्चा इस तरीके से ट्रिक करेगा करेक्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट वर्कशीट है, अब हम उसे लिखने के लिए देंगे. अब तक वह वर्ड मीनिंग भी देखकर ही उसे याद हो चुकी रहेगी क्योंकि वह इतनी बार एक्टिविटी कर चुका है. तो अब चलिए अब उसे लिखने के लिए हम देंगे. अगर पास है तो दिस लिखेगा बच्चा. तब तक कर्सिव राइटिंग भी सीख चुका रहता है यूकेजी में अगर, तो आप उसे कर्सिव में ही बोले लिखने के लिए. दोस फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी वर्कशीट वह कंप्लीट करेगा दिस दैट दिस और दोस के लिए. इसके अलावा मैं एक, जब भी आपको लगे कि आपको बच्चे की रिवीजन की जरूरत है तो आप अगर उसे इस तरीके की वर्कशीट भी दे सकती है. अगर वह इस तरीके की वर्कशीट नहीं करना चाह रहा है तो आप केवल 5 मिनट में उसे इस तरीके की गेम के द्वारा भी रिवीजन करा सकती है. आप देख सकते हैं उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया हुआ है. कुछ चीजें पास में है, कुछ चीजें दूर पे है. जो इनसे टच हो रही है इंडिकेटर से वह पास की चीजें हैं, और जो कि इंडिकेटर से टच नहीं हो रही है वह दूर की चीजें हैं. तो मैंने कुछ सिंगल चीजें सिंगुलर में ले ली हुई है पास में, और कुछ यहाँ पे देखिए कैंडल्स बलून्स दीज के लिए मैंने पास में प्लूरल भी ले लिए है. इस तरीके से दूर में भी मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिया हुआ है क्योंकि दैट और दोज के लिए. अब हम बच्चे को पूछ सकते हैं बर्ड, इसके लिए कौन सा फोर्थ में कौन सा यूज होगा. तो बच्चा अगर बता देता है दैट, क्योंकि यह दूर है इंडिकेटर से टच नहीं हो रहा है तो दैट. इस तरीके से ग्रैप्स, तो यह ग्रैप्स भी दूर है और बहुत सारे ग्रैप्स हैं, प्लूरल है तो दोज. इस तरीके से हाउस दैट, इस तरीके से फिश सिंगुलर है और पास है तो दिस. ट्रायंगल्स दीज. तो फ्रेंड्स इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके की गेम से आप उसे 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा सकते हैं दिस दैट दिस दोस. उम्मीद है आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. थैंक यू.